गाइस फाइनली हम खाना पीना खा के नहा धो के रेडी हो गए, और अभी जाना है, थोड़ा सा काम है, उस काम को जाके फिनिश करना है। ठीक है, तो उसी काम के लिए मैं जस्ट निकल रहा हूँ, रेडी हो गया हूँ, बस निकलना है घर से। अभी मैं घर पे हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो बस अब यहाँ से निकल रहा हूँ, और निकलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, और कौन सा काम है। ठीक है गाइस, तब तक के लिए बने रहिए। आज फैजाबाद जाना था मेरे को, तो मैं निकला था अपनी बाइक लेके। तो सीन क्या हुआ कि बाइक में जैसे निकला लेके घर से, और बाइक में मेरे फ्यूल खत्म हो गया। गजब बेइज्जती है। तो फिर मैं बाइक लेके निकला नहीं, पार्क कर दिया घर पे। तो इसमें ऑटो बैठा हुआ, और पता है ऑटो किसकी है? नहीं पता। ए भाई बता ना, बता ना। भाई 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 मेरा भाई। ऑटो मेरे दोस्त की है, और भाई साहब चलाते हैं, ये खुद की ऑटो है। ठीक है, तो फिलहाल ऑटो एकदम नई है, झक्कास है, बिंदास है। हम लोग बैठ के काफी, मतलब फर्स्ट टाइम बैठे हैं इनकी ऑटो में। अच्छा, तो अभी ऑटो से हम लोग निकल जब फैजाबाद जाएंगे। ठीक है, और एक बार बता दूं, अगर आप लोगों को भी ऑटो बुक कराने की जरूरत पड़ेगी तो एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करना। ठीक है, कहीं भी जितने भी लोकल के होंगे हमारे, ठीक है, देखने वाले, अगर उनको कहीं भी जाना होगा और उनको गाड़ी वगैरह की बुकिंग चाहिए तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। और गाड़ी एकदम बिंदास नई गाड़ी है, अभी एक दो महीना हुआ निकलवाए, और चलती है तो भाई 9-2-11, मतलब चलने में कोई कसर नहीं है। और भाई साहब चलाते हैं, ड्राइवर भी एकदम बढ़िया, ठीक है, हैवी ड्राइवर, हैवी ड्राइवर। गाड़ी एकदम झाइयाँ चल रही है, भाई साहब अभी हम दिखाएँगे, बहुत लाजवाब, मतलब बहुत ही, इतना समझ लो भाई है, एकदम लग्जरी है पूरी, समझ लो बैठोगे तो फुल एसी वाली गाड़ी है इनकी। तो हम फिलहाल बैठ के आज इंजॉय ले रहे हैं इनके ऑटो से, क्योंकि अभी तक ऑटो में बैठे नहीं थे भाई साहब जी, तो आज फाइनली बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, काफ़ी दिन से इंतजार था बैठने का, तो आज सौभाग्य प्राप्त हो गया है बैठने का भाई साहब के साथ में, क्योंकि पहली बार ये ड्राइव कर रहे हैं मेरे साथ, वो भी समझ रहे हो आप। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे समझ निकले हैं, तो देखते हैं क्या होता है, फिलहाल जो भी होगा अच्छा होगा, और हम लोग अच्छे से ट्रेवल कर रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिएगा अपने लोकल में, तो आप लोग हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। ऑटो हमेशा 24 आवर अवेलेबल रहेगी आप लोगों की, अच्छे प्राइस पर, ठीक है, कहीं भी जाना होगा आपको। ठीक, चलिए मैं दिखाता हूँ अभी आपको आगे का टूर, और ऑटो का भी विजिट कराऊँगा, कैसी दिखने में कैसी लगती है, एकदम बिंदास है, लाजवाब है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ रोड का कुछ शो। और आज है गणपति विसर्जन, और इसलिए रोड पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, उसको भी दिखाऊँगा अभी। ठीक है, और पता नहीं है वॉइस मेरी कैसी जा रही, बिकॉज ऑटो पे है तो बाहर की आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओवर है। चलो दिखाते हैं मैं सामने का व्यू कुछ। देख लो भाई, स्टीयरिंग एकदम खतरनाक वाली स्टीयरिंग वगैरह दी गई है इसमें भाई। भाई साहब भंडारा वगैरह चल रहा है यहाँ पे, कहो तो भंडारा। हाँ, आज है गणपति विसर्जन, और आज सभी जगह पे गणपति भगवान को लेके जाया जा रहा है विसर्जन के लिए। तो भाई साहब इस तरह देख रहे हो, यही वो ऑटो है जिसपे अभी हम बैठे, जो मेरे फ्रेंड का ऑटो है, एकदम बकायदा पूरी तरह एकदम नया ऑटो है गाइस। ठीक है, अभी एक महीना हुआ इसको निकलवाए हुए, अभी पन्नी भी नहीं छूटी है सीट की, एकदम नई ऑटो है, और अभी मिल जाए, कहीं भी जाना हो, कोई भी बुकिंग होगी अपनी लोकल में। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो भाई हम लोग निकल चुके हैं फैजाबाद के लिए, और जैसा कि देख रहे हो इस समय मेरे ऑटो से एक भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो है रोड भी बहुत ही अच्छी मिल चुकी, बिकॉज़ ये रोड अभी बन रही है, 4 लाइन रोड बन रही, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी अभी जो मैंने वीडियो शूट किया था उस टाइम पे, रोड थोड़ा मतलब कि बजड़ी वाली रोड थी। ठीक है, लेकिन अब इस समय देख रहे हो गाड़ी की आवाज़ क्या आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि आज है गणपति विसर्जन, और आज के रोड पे ज्यादा जाम लगा हुआ है, बिकॉज आज सारे लोग गणपति भगवान को ले के लिए जा रहे हैं विसर्जन के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो डीजे बाजे के साथ,
बहुत ही धूमधाम के साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप भी देखते चलिए और मजा लेते चलिए। मतलब इतनी खराब रास्ता हो चुकी है कि चलना दुसार हो गया इस रोड पे। एक्चुअली क्या है कि रोड ये 4 लाइन बन रही है हमारे तरफ की, तो इस वजह से सारी रास्ते की ऐसी तैसी कर दिया गया है पूरी तरीके से। कहते हैं ना, जब कोई बिगड़ता है तभी बनता है। कहाँ बैठा होगी इनको, मतलब सबर नहीं है पेल देने का। देख रहे हो गाइस, ये लोग पूरी तरह रोड ही खोद डाले, इतना गहरा गड्ढा कर दिया रोड पे। और यहाँ पे सामने है रेलवे क्रॉसिंग, इसीलिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त पुल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। अभी काम चल रहा है गाइस, जैसा कि देख रहे हो अभी यहाँ पे काम चल ही रहा है, ठीक है। तो ये सामने जैसा कि देख रहे हो ये रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है। तो जब सामने ये ओवर ब्रिज का काम चल रहा है, ठीक है। बहुत ही बड़ा, इतने लंबे में है बना हुआ है पूरा, बहुत जबरदस्त, बहुत ही भयंकर वाला बन रहा है ओवर ब्रिज यहाँ पे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं फैजाबाद, जैसा कि देख रहे हो ये फैजाबाद सिटी का कुछ सीन है। अभी तो समझ लो हम एंट्री किए हैं फैजाबाद में, इसे नाका बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नाका से, अब भाई साहब को जाना है रेलवे स्टेशन और मुझे जाना है थोड़ा काम से, तो ठीक है। तो भाई साहब चले जाएंगे रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उतर जाऊँगा और भाई साहब, जब मैं इधर अपना काम कर लूँगा और भाई साहब उधर अपना काम करके जब रिटर्न आएंगे तो मैं साथ में रिटर्न फिर आ जाऊँगा। तो ऐसे फाइनली अब हम लोग फैजाबाद से रिटर्न हो रहे हैं, बज चुकी है रात की 8, ठीक है। 8 बज रही है, मैं अब रिटर्न हो रहा हूँ, जैसा कि देख रहे हो गाइस, ठीक है। अब यहाँ से निकल रहा हूँ, भाई साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं खड़े होके, ठीक है, क्योंकि उनका भी काम ख़त्म हो गया था, आधे घंटे से मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा काम से निकल गया था। तो अभी मैं तुरंत जा रहा हूँ गाड़ी से यहाँ पे आ रहा हूँ अभी। एक्चुअली मुझे 1 घंटे से मेरा वेट कर रहा है, एक्चुअली मैं निकल गया थोड़ा काम से तो मैं लेट हो गया, इसीलिए 1 घंटे से परेशान है, कॉल पे कॉल कर रहा है और खौरियाना है बहुत तेज। देखते हैं अभी क्या करता है हला। तो गाइस वहाँ से निकल के हम लोग अब खड़े हुए हैं बाईपास पे। एक्चुअली इसको थोड़ा एक दो लोग को बैठाना था गाड़ी में, मतलब गाइस पूरा ऑटो भर चुका है फिर भी बंदा एक ना एक लोग को ढूंढ रहा है।
ऑटो के ऊपर बैठाने का इरादा है क्या इसका? देखो गाइस पूरा ऑटो फुल है, भैया हम भी बैठ रहे हैं इसी में। चल भैया हैवी ड्राइवर है, सब पूरा ऑटो हो गया फुल, अब बैठने की जगह नहीं है और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि रात की 8 बज चुकी है और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, घर पहुँचते पहुँचते ऑफ हो जाएगा तो रास्ते का कोई व्यू नहीं, और अपना वीडियो मैं बस यहीं तक रखता हूँ गाइस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्ट ब्लॉग के साथ। ठीक, वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।